गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू TSN क्लास 6 साइंस सेशन. सो वी आर एट चैप्टर 14 विच इज़ वाटर एंड टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वाटर साइकिल एंड नाउ विल स्टडी अबाउट लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स. सो हैव यू लर्न इन चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो. प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड. फूड रिटेन सम ऑफ इट टू द डिफरेंट पार्ट्स. अब हमने ये चीज़ 7 चैप्टर में ही डिस्कस कर ली थी कि जो प्लांट होता है उसको क्या वाटर की नीड होती है ग्रो करने के लिए. लेकिन जो वाटर होता है, जो प्लांट होते हैं, वो सारा वाटर जो वो एब्जॉर्ब करते हैं, बेसिकली फूड बनाने के काम में लेते हैं, और जो बचा हुआ पानी होता है उसको अपनी बॉडी में रिटेन रखते हैं कुछ डिफरेंट पार्ट्स में. जैसे कि अगर हम देखते हैं जो कैक्टस होता है, तो उसके आगे की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, उसमें स्केल्स होते हैं, लेकिन जो अंदर की जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लिक्विड रिटेन रहता है बॉडी में. तो वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है कि उसका नेचुरल एनवायरनमेंट कैसा रहेगा. ओके, सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज बाय द प्लांट्स इनटू एयर एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. जो बचा हुआ पानी होता है, वाटर जो बचा हुआ या रिमेनिंग वाटर होता है प्लांट में, जो एक्सेस होता है, जो यूज़ नहीं होता है, वो क्या होता है, वो प्लांट से एयर में प्लांट से नेचुरल एनवायरनमेंट में आ जाता है. किसके थ्रू आता है, एक प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन क्या होता है, नॉर्मल जो प्लांट की जो लीफ की लेयर होती है उसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. जो स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं. क्यों? क्योंकि स्टोमेटा में ही गैस एक्सचेंज होता है, तो वो ओपन रहते हैं. उसकी वजह से जो फर्स्ट लेयर होती है प्लांट की, जो लीफ की फर्स्ट लेयर होती है, उसके अंदर जो वाटर रिटेन रहता है वो एक्चुअली स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ जाता है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इन एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7? हमने चैप्टर 7 में एक ट्रांसपीरेशन वाली एक्टिविटी करी थी जिसमें हमने प्लांट लिया था और उसके ऊपर पूरी पॉलीथिन से बांध दिया था उसको. और क्या हो रहा था, दिन के टाइम हमने जब उसे धूप में रखा तो जो पॉलीथिन है उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आने लगी. तो वाटर ड्रॉपलेट्स किस वजह से आती है, वो वही वाटर है जो प्लांट के अंदर है और इवेपोरेट होके बाहर आ रहा है. ओके, सो वाटर वेपर एंटर्स द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन. इज इट लॉस ऑफ फॉर एवर? नो, वी गेट इट बैक अगेन एज वी विल सी. अब ये चीज़, हम वाटर वेपर्स जो होती हैं वो एयर में आ जाती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड इवेपोरेशन, लेकिन क्या ये लॉस जो होता है ये फॉरएवर रहता है? नो, इट इज़ नॉट फॉर एवर, वी गेट इट बैक. ओके, सो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम जो पानी एक्चुअली वाटर बॉडी से और प्लांट से इवेपोरेट हो रहा है वो वापस प्लांट को मिलता कैसे है. सो हाउ आर क्लाउड फॉर्म्ड? हम बेसिक स्ट्रक्चर ये होगा कि जो इवेपोरेशन हो रहा है वो फिर क्लाउड बना रहे हैं. क्लाउड से क्या हो रहा है, जब कंडेंसेशन हो रहा है हायर टेम्परेचर पर, जब कंडेंसेशन होता है तो क्या होता है, वाटर जो वेपर फॉर्म में है वो टेम्परेचर राइज की वजह से कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड फॉर्म में. और जैसे ही वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है वो वापस एज अ रेन ड्रॉप नीचे आती है और वापस हमारे ओशंस और लेक्स ऐसे भर जाते हैं. तो ये इसकी समरी थी, बट अब हम रीड आउट कर लेते हैं. हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म? एक्टिविटी 3. टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर. वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ. Add some ice into the water. Wait for 1 or 2 minutes. Observe the changes that take place on the outer surface of the glass. अब हम एक अगर ग्लास का मतलब अगर हम कांच का ग्लास लेते हैं और उसके अंदर अगर हम लोग बर्फ रख देते हैं, तो अगर 1 से 2 मिनट के बाद हम ये चीज़ नोटिस करेंगे कि ग्लास के आसपास क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स आने लगती हैं. तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों होती हैं? जो ठंडा पानी है, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में, वो किस फॉर्म में हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है. ठीक है, सो फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास. जो आउटर साइड पे ग्लास पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं वो किस चीज़ की होती हैं? द कोल्ड सर्फेस ऑफ द ग्लास कंटेन आइस्ड वाटर कूल्स द एयर अराउंड इट एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंसेस ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लास. क्या होता है, ग्लास है उसके अंदर अगर आइस है या आइस भरा हुआ पानी है, जिसमें आइस भी है, उस पानी के अंदर आइस भी है, तो क्या होगा, वो उसके आसपास का एनवायरनमेंट को कैसा कर देगा, ठंडा कर देगा. एनवायरनमेंट पे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा. द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंसेस ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लास. जो वाटर वेपर, जो एयर है, ये मेरा ग्लास है, इसके आसपास क्या है, एयर है. अब मेरा ग्लास ठंडा है तो जो वाटर, जो एयर है उसके अंदर जो वेपर फॉर्म में जो वाटर प्रेजेंट होगा वो क्या होगा,
वेपर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा जस्ट बिकॉज कि एनवायरनमेंट जो उसको ग्लास का एनवायरनमेंट मिल रहा है उसका टेम्परेचर हाई है बिकॉज ऑफ आइस. ओके, सो वी नोटिस दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन एक्टिविटी 7 इन चैप्टर 5. तो चैप्टर 5 में हमने 7th एक्टिविटी में भी सेम चीज करी थी. प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. क्या होता है कंडेंसेशन, एक अंडरलाइन कर लो कंडेंसेशन वर्ड. कंडेंसेशन वर्ड इज द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर या वेपर इंटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन. तो जो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पानी को एनवायरनमेंट से या जो इवेपोरेट हो चुका है उस पानी को वापस वाटर बॉडीज में लाने के लिए. हाउ डज इट हैपन? As we go higher from the surface of the earth, it gets cooler. When the air moves up, it gets cooler and cooler. क्या होता है, हमारा अर्थ है उसके अंदर लावा है, हम रहते हैं तो पूरा अर्थ क्या रहता है, गर्म रहता है. लेकिन जैसे जैसे अर्थ सर्फेस से हम लोग दूर जाते जाते हैं तो टेम्परेचर कैसा होता है, ठंडा होता जाता है. तो जो एयर यहाँ से इवेपोरेट हो रही है जिसके अंदर क्या है, वाटर वेपर है, वाटर वेपर वाला जो एयर है जैसे जैसे अपनी अर्थ सर्फेस से दूर जाता जाएगा उसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, हाई होता जाएगा. तो वो जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा और वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहाँ पे इस तरीके का टेम्परेचर होगा जहाँ पे वाटर वेपर वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. जब वो इस टेम्परेचर पे या इस स्टेज पे पहुंचता है तब होता है उनका कंडेंसेशन. ठीक है, एज वी गो हायर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर. व्हेन द एयर मूव्स अप इट गेट्स कूलर एंड कूलर. जितना ऊपर जाता जाएगा उतना ही ठंडा होता जाएगा. एट सफिशियंट हाइट द एयर कम्स सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड एज ड्रॉपलेट्स. एक ऐसे टाइम, एक ऐसे स्टेज, ऐसी हाइट पर पहुंच जाएगा जहां पर जो एयर है वो पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी, वाटर वेपर कंडेंस हो जाएगा और वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी. सो इट इज दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर टू एज अ क्लाउड. जो हम देख पा रहे हैं टाइनी ड्रॉपलेट्स, हम जो देख पा रहे हैं जो हवा में फ्लोट कर रही हैं वो क्या कहलाती हैं, एक्चुअली में क्लाउड है. हम जो यहाँ से देख रहे हैं बादलों को या क्लाउड देख रहे हैं तो वो एक्चुअली में क्या है, वो वही वाटर वेपर कंडेंस हुए हुए हैं एयर के अंदर जो हम यहाँ से इवेपोरेट हुए थे. ठीक है, सो इट हैपन्स दैट मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज साइज ड्रॉप ऑफ वाटर. एक ड्रॉप, एक पार्टिकल या एक साइज ड्रॉपलेट से कुछ नहीं होगा, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स को मिला के एक वाटर ड्रॉप बनता है पूरा, जो वाटर वेपर ऊपर से आ रहा होता है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कंडेंस हो गया तो फिर वाटर रेन होनी स्टार्ट हो जाएगी. छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जब कंबाइन होते हैं तो एक बड़ा वाटर ड्रॉपलेट बनाते हैं जो इतना हैवी होता है कि वो क्लाउड से नीचे आ जाए. दिस इज कॉल्ड रेन. सम ड्रॉप्स ऑफ वाटरफॉल वाटर बिकेम सो हैवी दैट दे बिगेन टू फॉल. बहुत ज़्यादा हैवी होने की वजह से क्या होता है, नीचे गिरने लगते हैं. दिस इज कॉल्ड रेन. दीज फॉलन वाटर ड्रॉपलेट्स आर वॉट वी कॉल रेन. अंडरलाइन दिस लाइन. इन स्पेशल कंडीशंस इट मे ऑल्सो फॉल एज हॉल और स्नो. बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन क्या हो सकती है, वो एक ऐसे टेम्परेचर पर पहुँच जाए जहाँ पर थोड़ा सा ऊपर, अर्थ की थोड़ा ऊपर जाते ही बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ जाए और जो वाटर वेपर से डायरेक्ट आइस बन जाए और आइस बनने के बाद वो हैवी हो जाएंगी और फिर वो नीचे गिरेंगी. तो इस तरीके से बारिश की जगह बर्फ़ गिरती है या ओले गिरते हैं. तो ये डिफरेंस होता है और ये प्रोसेस होता है किस वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि रेन होगी या स्नो गिरेगी. Thus, water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration. Underline this line. Water किस form में ऊपर जाता है, vapor की form में जाता है, किस process से, evaporation और transpiration. Forms cloud and then come back to the ground as rain, hail or snow. Underline this whole paragraph. And अब हमने ये तो discuss कर लिया कि clouds कैसे बने, लेकिन पानी वापस नीचे कैसे आया वो हम next session में पढ़ेंगे. So till then, please complete your work. I'll be sending you notes. And we'll be checking your copy on 16th of December. Have a nice day. Thank you.